दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स के आन पर। दोस्तों आज है 15 अक्टूबर, एक बार फिर से हम आपके लिए 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जहाँ दोस्तों सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं 12वीं पास के लिए भी यहाँ पर मौका निकला है। जी हाँ दोस्तों, आंगनवाड़ी के अंतर्गत, PWD के अंतर्गत और साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत टीचर की बड़ी भर्ती निकली है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन 5 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ पर भर्ती निकली है। पोस्ट है असिस्टेंट टीचर LT की, सहायक शिक्षक सहायक अध्यापक की भर्ती है। 1431 वैकेंसीज है, सैलरी 44,900 से 1,42,400 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री साथ में LT डिप्लोमा या फिर BA डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 वर्ष है। जनरल या उत्तराखंड OBC के लिए ₹300 आवेदन शुल्क है, उत्तराखंड SC ST और PWD के लिए ₹150 आवेदन शुल्क है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन कर सकते हो। सलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पर, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। SSSC.UK.GOV.IN की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे 19 अक्टूबर 2020 से, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 4 दिसंबर 2020 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 6 दिसंबर 2020 है, रिटर्न एग्जाम की डेट अप्रैल 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, PWD लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की 280 वैकेंसीज है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 4,984 सैलरी और टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 3,542 है। डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग आयु सीमा तय की जाएगी, शुल्क जमा नहीं करना होगा, मेरिट से चयन किया जाएगा, बिना एग्जाम की भर्ती है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है, TN.GOV.IN की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। बात अगर डेट की जाए तो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे 19 अक्टूबर 2020 से, नर्स पोर्टल द्वारा लास्ट डेट अप्लाई करने की 7 नवंबर 2020 है, PWD पोर्टल द्वारा लास्ट डेट 15 नवंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जहाँ दोस्तों महिला विकास और बाल कल्याण विभाग के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट है आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर की, 183 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष है। आवेदन शुल्क की जानकारी भी नोटिस से ही चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा टेस्ट इंटरव्यू के आधार पर, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। AP आंध्र प्रदेश जॉब लोकेशन है, westgodavari.org इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 20 अक्टूबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है मेडिकल कॉलेज में, जहाँ दोस्तों जूनियर रेजिडेंट की भर्ती है। 434 वैकेंसीज है, 56,100 लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। MBBS डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। VMMC रूल के अकॉर्डिंग आयु सीमा तय की जाएगी, ₹500 जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ₹250 OBC के लिए आवेदन शुल्क है। EWS SC ST PWD को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप NEFT RTGS और ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के आधार पे, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। vmmc-sgs.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 30 अक्टूबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, GMCH के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट है रेजिडेंट पैथोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, जूनियर रेजिडेंट और डेमोनिस्ट्रेटर की, 129 वैकेंसीज है। सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। योग्यता की बात की जाए तो MBBS MD DNB MCH और MS से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 40 वर्ष आयु सीमा है।
एससी कैंडिडेट्स के लिए ₹250 आवेदन शुल्क है, ऑल अदर के लिए ₹500 शुल्क है। सिलेक्शन होगा टेस्ट इंटरव्यू के आधार पे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। चंडीगढ़ जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। gmch.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 26 अक्टूबर 2020 है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 15 अक्टूबर 2020 की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब भी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।